हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे टर्किश स्टाइल एग ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनकर आती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने इसके लिए लिए हैं 3 अंडे बॉयल्ड, और इसको मैंने 2 पीसेज में काट रखा है। 1/2 टीस्पून हम इसमें लेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे नमक, 1/2 टीस्पून ही लेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 मैंने ग्रीन चिली काट रखी है। थोड़ा सा हम इसमें 1/4 टीस्पून लेंगे मिक्स हर्ब्स ऑरेगानो, और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर लेंगे चिली फ्लेक्स। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने फाइन चॉप कर रखा है। 1 मीडियम साइज़ का ही टमाटर फाइन चॉप कर रखा है। थोड़ी सी मैंने ग्रीन ओनियन ले रखी है, स्प्रिंग ओनियन, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का यूज़ करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, और इसको हम एकदम सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे, जब अच्छे से ये ट्रांसलूस हो जाएगी। जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। इसको मैंने एकदम फाइन ग्रेट कर रखा है टमाटर को, और इसमें हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ये रेडी होता है। अरे इधर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और इसको हम और फ्राई करेंगे जब तक टमाटर थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पानी 2 टेबल स्पून के करीब, जिससे मसाला जले नहीं। इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहीं पर आप इसमें नमक चेक कर लिएगा, कम लगे तो आप डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें मिक्स हर्ब्स, मिक्स करेंगे इसको। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहीं पर हम इसके अंदर एग लगा देंगे। एग ये व्हाइट सॉस के साथ भी बनता है, वो भी मैं आपको बाद में बनाना बताऊंगी। यहाँ पे हम सारे एग लगा देते हैं। और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज। थोड़ा सा हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रिंग ओनियन। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। बस इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि चीज मेल्ट नहीं हो जाता। कवर कर देंगे इसको। चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो यहीं पे हम गैस ऑफ कर देते हैं। ये आपका टर्किश स्टाइल एग ब्रेकफास्ट बनके रेडी है। आप इसे बन के साथ खाएं, या आप इसे ब्रेड के साथ खाएं, या पराठे के साथ खाएं, और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय। हैव अ गुड डे।